बेटा जा खेचुके बनवा दे हमारा प्यासे मत चले और कोई सुनाई करना रो को बनवाए ना रो बेटा हमारा सड़क पे तो पानी डोडो के आते है चल कुछ सुनवाई ना करो हमारा सड़क पैसे ला रहे हैं गन्ने में ला रहे हैं हमारे पैसे ला रहे हैं। सैपो पंचायत की जाटा बस्ती में पिछले दो माह से हेडपंप खराब होने से बस्ती वासियों के सामने पेयजल की समस्या गहरा गई है। सोमवार को बस्ती के महिला पुरुषों ने स्थानीय पंचायत प्रशासन एवं जलदाय विभाग की अनदेखी को लेकर खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी का सीजन शुरू होते ही पेयजल संकट गहराने लगा है। पिछले दो माह से बस्ती के अंदर लगा हेडपंप खराब होने से स्थानीय बासिंदे पेयजल के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ग्रामीण सुरेश जाटव, हीरालाल जाटव, अचलो जाटव, अतर सिंह, राहुल जाटव आदि ने बताया कि पिछले दो माह से आम रास्ते के बगल से लगा हेडपंप खराब पड़ा हुआ है। कई बार उन्होंने स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच एवं जलदाय विभाग के कर्मचारियों को शिकायत की है, लेकिन किसी ने भी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस्ती में एक महीना से खेती डरा से प्यास से मर रही है और चौराहे पे पानी ला रहे हैं, कौते ला रही है। आपने किसी को नहीं बताया? सरपंच, एसडीएम सब ने बताई ली, कोई ना आए रहो। आती है जा। कब से ला रहे हो पानी, कहाँ से ला रहे हो? एक महीना से अंत से आए रहो पानी। मामले को लेकर पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र परवान ने बस्ती वासियों के साथ एसडीएम ललित मीणा से खराब हेडपंप की मरम्मत के लिए शिकायत की, तो एसडीएम द्वारा मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए हेडपंप की मरम्मत के लिए जलदाय विभाग की टीम भेजकर मरम्मत कराई गई है। बस्ती वासियों ने बताया कि जलदाय विभाग के हेडपंप मिस्त्रियों के द्वारा हेडपंप का सिर और हत्ता बदल दिया है, लेकिन पाइप लीकेज होने की वजह से पेयजल की समस्या अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। धौलपुर में मनिया थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मके भूरिया गांव में नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अल्ट्राटेक कंपनी के नाम से नकली सीमेंट बना रहे थे। थानाधिकारी सुमन कुमार ने बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा से शिकायत की और बताया कि मनिया क्षेत्र में अल्ट्राटेक कंपनी के नाम से नकली सीमेंट बनाया जा रहा है, जिससे कंपनी की साख खराब हो रही है। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीओ खंडेलवाल ने मनिया थाना अधिकारी सुमन कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की और कंपनी के प्रतिनिधियों को साथ लेकर मनिया के भोरिया गांव में छापा मारा, तो गांव के मानसिंह ठाकुर के मकान के पीछे बाड़े में नकली सीमेंट बनाने का काम चल रहा था। मानसिंह ठाकुर चार पांच मजदूरों की मदद से बांगड़ कंपनी का खराब सीमेंट खरीदकर उसे छलनी से छनवाकर कीप व तौल वाले कांटे की मदद से अल्ट्राटेक कंपनी के प्रिंट सीमेंट के बैगों में भरा करते थे और उसे मार्केट में बेचते थे। पुलिस ने मौके से 245 अल्ट्राटेक कंपनी के भरे हुए नकली सीमेंट के बैग, 229 अल्ट्राटेक कंपनी के नकली खाली बैग एवं खराब सीमेंट के 121 बैग व खराब सीमेंट के 20 खाली बैग तथा एक तोलने वाली मशीन सहित टोपी और तसले बरामद किए हैं। जब पुलिस ने छापा मारा तो मुख्य आरोपी अविंद उर्फ भोला मौके का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने मौके से मानसिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। मानसिंह ठाकुर की निशानदेही पर मुख्य आरोपी रविंद्र उर्फ भोला को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। खेमरी स्थित कृषि महाविद्यालय बसेड़ी में बीएससी एग्रीकल्चर तृतीय वर्ष की छात्रा मोनिका नोटियाल की दो दिन पूर्व बीमार होने पर उपचार की कमी की वजह से मौत हो गई थी, जिसके चलते गुस्साए कॉलेज के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया जो लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने मंगलवार को होने वाली सोशल साइंस एवं कीट विज्ञान की परीक्षा का भी सामूहिक बहिष्कार कर दिया। हालांकि सोमवार देर शाम को बीसी के द्वारा कृषि कॉलेज में हुए धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कॉलेज डीन डॉक्टर उदयवान को हटाकर उनकी जगह एसोसिएट प्रोफेसर को नए डीन के रूप में तैनात कर दिया है। बीसी के द्वारा बार्डन के स्थान पर महिला लेक्चरर की भी तैनाती की गई है। इसके बावजूद छात्र छात्राओं ने दूसरे दिन भी कॉलेज गेट पर अंदर से ताला डालकर धरना प्रदर्शन जारी रखा। यहां तक कि कॉलेज के नए डीन के रूप में चार्ज संभालने पहुंचे एसोसिएट प्रोफेसर धनराज शर्मा को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। मामले की सूचना पर बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह शेखावत पुलिस फोर्स के साथ कॉलेज पहुंच गए, लेकिन छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के अंदर लगा ताला नहीं खोला, जिसके चलते पुलिस कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाई। थाना प्रभारी शेखावत ने गेट के बाहर से छात्र छात्राओं को समझाइश की, लेकिन अंदर से गेट नहीं खोले जाने की वजह से थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह शेखावत कई घंटों तक बाहर बैठकर ही चले आए। कॉलेज के नए डीन धनराज शर्मा ने बताया कि आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं से कृषि महाविद्यालय जॉबनेर के वाइस चांसलर के द्वारा वर्चुअल बात करनी चाहिए, लेकिन छात्र छात्राओं ने बीसी से कॉलेज आकर उनकी परेशानी सुनने की बात कही और समस्या नहीं सुने जाने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। हाँ, आज हमारे धरने का दूसरा दिन है और हमने हमारी मांगों को बीसी सर तक पहुँचाया है और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारे को महिला स्टाफ और एमरजेंसी सेवा जब तक हमारे को यहाँ पे स्कूल महाविद्यालय उपलब्ध नहीं होती,
जब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। मैं हमारे जो सीनियर थे उनकी, वो हमारे बीच में आज नहीं रहे, उनके जो यहाँ न रहने का जो कारण हुआ है वो एक ही रहा है कि यहाँ के सुविधाओं के अभाव में जो यहाँ पे आज जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो यहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ना तो स्टाफ है पूरा, ना ही कोई सुविधाएं हैं, और यहाँ पे एम्बुलेंस की और इसकी वजह से मतलब कोई सुविधा नहीं है। इसकी वजह से हमारे साथ पढ़ने वाली मोनिका लटियाल जो आज इन असुविधाओं की वजह से वो हमारे साथ नहीं है, और हम चाहते हैं कि इसके जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और हाँ, कृषि महाविद्यालय बसेड़ी में कल से बच्चे स्ट्राइक पर चल रहे हैं। बच्चों की प्रमुख मांग ये है कि एक तो जो कॉलेज जो 3 साल से खुला है उसकी बिल्डिंग का काम जल्दी शुरू कराया जाए, हॉस्टल बनाया जाए लड़कियों के लिए, और एक गाड़ी हमेशा होनी चाहिए फार्म पर, मतलब कोई भी बच्चा कभी बीमार हो जाए तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे, इससे किसी की मौत नहीं हो। अभी 2 दिन पहले यहाँ एक बच्ची की खेमरी गांव के अंदर रात में ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई थी, उससे छात्रों में एकदम जोश आया कि ये सब बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इसमें ये सुविधा होनी चाहिए। और एक उनकी डिमांड थी कि यहाँ पर एक परमानेंट डीन लगाओ, जो पुराने डीन जो लगा रखे थे उदयवान जी उनके पास अतिरिक्त चार्ज था, उनको वहाँ पर कुंभेर में भरतपुर में 2-2 चार्ज अलग से थे तो उनको टाइम कम मिलता था। तो विश्वविद्यालय ने कल शाम को मेरे आदेश कर दिए अतिरिक्त मतलब यहाँ का चार्ज दे दिया अलग से डीन का, और अब प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के एक डिमांड और है कि हमारे साथ जो विश्वविद्यालय कुलपति है वो यहाँ आए और हमसे बात करें। विक्षिप्त असहाय लावारिस आश्रयहीन मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा एक विक्षिप्त आश्रयहीन सुरेश कुशवाहा को अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा है। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष विष्णु महरे ने बताया कि बाड़ी शहर में कई दिनों से घूम रहे विक्षिप्त सुरेश कुशवाहा की लोगों द्वारा सूचना दी। इस सूचना पर अपना घर टीम बाजार में पहुंची, जानकारी की तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम सुरेश कुशवाहा है, पिता का देहांत हो चुका है, माँ का नाम राम बेटी है, एक भाई है जो इलाज कराने में असमर्थ है। माँ से बात की गई तो माँ ने इलाज कराने में असमर्थता जाहिर की। ऐसी स्थिति में विक्षिप्त सुरेश कुशवाहा को एम्बुलेंस द्वारा परिजनों की स्वीकृति से अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा है जहाँ पर उसका उपचार सेवा हो सकेगी। इस मौके पर अपना घर आश्रम बाड़ी अध्यक्ष श्रीमती कमलेश गर्ग, सदस्य सुनील गर्ग, उपाध्यक्ष मनोज मोदी, सचिव उषा मित्तल, बिमला गोयल, सोनीराम, राजकुमार गर्ग, नीतीश आदि लोग मौजूद रहे। राजस्थान में पहली बार आम बजट के अलावा कृषि बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कृषि एवं राजस्थान राज्य बजट मुख्यमंत्री द्वारा 23 फरवरी को प्रातः 11 बजे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिला मुख्यालय व ब्लॉक मुख्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस व ग्राम पंचायत स्तर पर ई मित्र प्लस मशीन के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल, फेसबुक और वेबकास्ट के माध्यम से भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। राजाखेड़ा से भाजपा के प्रत्याशी रहे अशोक शर्मा ने आज अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक राजाखेड़ा रोहित बोरा पर निशाना साधा और उन पर कई तरह के आरोप लगाए। क्या कहा बीजेपी नेता अशोक शर्मा ने, आइए सुनिए। 2-3 दिन पहले राजाखेड़ा विधानसभा में कलेक्टर सुधारा कुछ पट्टे लोगों को दिए गए। मैं इस नेक काम के लिए राजस्थान राज्य की सरकार को और धौलपुर प्रशासन को हार्दिक आभार करता हूं कि ऐसा मुद्दा जो 50 साल से राजाखेड़ा में था उस पर उन्होंने गौर फरमाया, और उन सब का चाहे वो वहाँ के विधायक हों, चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों या मेरी भारतीय जनता की टीम हो, उन्होंने इस मुद्दे को सामूहिक रूप से उठाया था और एक समस्या का समाधान। उन्होंने अपनी भाषणों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर बोलने का नहीं है। मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं भाई, प्रतिपक्ष क्या कर सकता है, वो एक दोया है ना कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। प्रतिपक्ष का धर्म भी है, दायित्व भी है कि जब कोई भी शासन से, प्रशासन से, सरकार से कोई भी कमी होगी तो आपको सचेत करेगा। अब मैं आके बोलने लगा हूं तो कोई गलत बात तो बोल नहीं रहा रोहित द्वारा, और आपके परिवार में 67 से विधायक रही है, ये समस्या कोई 19 में अचानक बाढ़ नहीं आ गई, ये बाढ़ तो बहुत पहले आती होगी। फिर आपके पिता जो मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उन्होंने इस पर गौर क्यों नहीं फरमाया, अचानक बाढ़ नहीं आई। अब पिछले साल सबने सामूहिक मुद्दा उठाया, उस पर समस्या का समाधान हो गया, तो कोई आप श्रेय नहीं ले सकते, तो सामूहिक श्रेय है। सिर्फ आपको प्रशासन ने पट्टे बंटवा दिए तो आपने घर से नहीं बांटा,
भाई किसी स्कूल का एनुअल प्रोग्राम हो और प्रशासन स्कूल का प्रशासन किसी से भी इनाम बंटवा दे तो उसको सम्मान मिलता है, लेकिन जो पट्टे हैं या जो इनाम है वो तो स्कूल बंटवाता है। तो ये राजस्थान सरकार ने दिया है उसका हमारा आपका सामूहिक नेतृत्व है। रही बात आपको श्रेय लेने की तो मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपकी अगुवाई में ऐसा हुआ, लेकिन आपका और मेरा जो सामाजिक रिश्ता है तो आपके पिता गुनहगार हैं, 60 साल से दौलत राजा खेड़ा के विधायक प्रद्युम्न सिंह जी रहे हैं, ये समस्या चार मिनट उठी हुई है, उनके चेहरे पे कालक है कलंक है कि वहाँ की जनता परेशान रही और किसी ने गौर नहीं फरमाया। और मेरे भी पिताजी धौलपुर में बड़े कद के लील रहे, उन्होंने भी कभी गौर नहीं फरमाया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी भी कमजोरी मानी गई है। अब और हम और आप दोनों नई पीढ़ी के आदमी हैं और समस्या का समाधान कर रहे हैं तो एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां कई सालों से हुई हैं। आप अगर किसी समस्या के लिए सुधार रहे हैं और मैं मीडिया के माध्यम से प्रेस के माध्यम से आपका प्रशासन का शासन का कर रहा हूं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा। जिस पार्टी में आप हैं कांग्रेस में उसमें सम्मानी लीडर राहुल गांधी जी प्रियंका जी वो भी मीडिया के माध्यम से ही तो बीजेपी की सरकार को कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो भी नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं, तो मैं आपके चरित्र पर आरोप नहीं लगा रहा, आपकी कार्यशैली पर आरोप लगा रहा हूं। और मैं राजा खड़ा की जनता का धन्यवाद देता हूं कि रोहित वोरा जी मेरे प्रेस के माध्यम से जागरूकता गई, जिन लोगों की गर्दनें झुकती थी उन्होंने गर्दनें उठानी सीख ली और आपकी गर्दन जो अहंकार के ऊपर थी वो गर्दन सामने आ गई। राजाखेड़ा में मंगलवार को बकाया वसूली अभियान में भास्कर खत्री सहायक अभियंता ग्रामीण A2 दौलपुर के निर्देशन पर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय जाटोली R1 से जुड़े बिरौंदा मांगरोल व मड़ाभाव गांव में अभियान चलाकर 4 ट्रांसफार्मर उतारे गए। धौलपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत आज कोतवाली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को 4 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति पटपरा रोड घंटाघर रोड पर होकर टर्नबक्स की तरफ प्लास्टिक के कट्टे में अवैध गांजा सिर पर रखकर पैदल पैदल जा रहा है। इस सूचना पर टीम गठित कर सिटी जुबली हॉल घंटाघर रोड पर नाकाबंदी व चेकिंग की गई। दौरान चेकिंग एक व्यक्ति घंटाघर रोड की तरफ सिर पर एक प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ पैदल पैदल आता हुआ दिखाई दिया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सलीम पुत्र दिलावर खान जाति मुसलमान निवासी 9 गजा पुराना शहर बताया। जब उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके सिर पर रखे कट्टे में 4 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया।